हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे और संडे के दिन मुझे बाल धोने हैं। मैं नहा तो खुद नहीं सकती, हाथ की वजह से मुझे मना किया हुआ है कि हाथ नहीं चलाना। और मैं वेट कर रही हूँ कोई मुझे नहलाए। और बिजी सब हो रहे हैं, छोले भटूरे बना रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, कुछ बच्चे ट्यूशन गए हैं, किट्टू बोल तो ट्यूशन चली गई, और एक तो भटूरे बना रही है छोटे छोटे और वैशाली भी काम कर रही है और दीपो भी काम कर रही है। आज पिंटू की भी छुट्टी है, पिंटू भी घर है, सब घर है, तो इसलिए बहुत बिजी हो रहे हैं। मुझे नहलाने के लिए कोई भी नहीं है। अब मैं नहाऊँ तो नहाऊँ कैसे इसलिए मैंने सोचा मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ, थोड़ा व्लॉगिंग कर लेती हूँ, आप सबको दिखा लेती हूँ कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं अत्याचार। ये भटूरे बना रही है। हेलो। और ये छोटे छोटे भटूरे बना रही है। कहाँ गया भटूरा भी तेरा? कहाँ पक गया था, इसलिए दोबारा बना रही हूँ मैं। इन्होंने आटा वाटा सब कर लिया, मगर देखो मैं नहाई नहीं, छोले वगैरह सब बना दिए हैं, भटूरे भटूरे तलने बाकी हैं, लेकिन हमारा काम अभी बाकी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ काम, क्योंकि नीचे के हाथ से तो कुछ नहीं होता। संडे है ना, मुझे वैशाली बहुत बिजी रहते हैं, हम दोनों सभी बिजी हैं आज के दिन घर में, वो आप देख ही सकते हैं मेरी हालत देख के। और नीचू नहाने का वेट कर रही है कि कोई मुझे नहला दे। इसके हाथ में देखो दोबारा ये डॉक्टर का चेंज किया इसने, डॉक्टर अपना हाथ का। अब मेरे हाथ में ये छोटा सा प्लास्टर हो गया, लेकिन आपको दिखाऊं आज हमारे मंदिर में से कान्हा जी भी शॉप पे जा चुके हैं। और आज हमारे कान्हा जी चले गए यहाँ से, तो हमें बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा खाली खाली लग रहा है हमारा घर, हमारा मंदिर बहुत अधूरा सा महसूस हो रहा है। आज जब भी मंदिर की तरफ आते हैं तो लगता है कान्हा जी कहाँ चले गए। तो छोटे वाले शॉप पे जा चुके हैं अपनी जगह पे, वो वहीं थे, वहीं के थे ना, इसलिए हमने लॉकडाउन में लाए थे यहाँ, जब से उनका जाने का मन ही नहीं हो रहा था तो सोचा चलो अब भेजते हैं। तो देखो बिल्कुल खाली लग रहा है, बड़े वाले कान्हा जी हमारे अकेले बैठे हैं, उदास बैठे हुए हैं बिल्कुल। अब याद तो आएगी कि 2 साल से यहीं थे वे, तो अभी गए हैं, आज ही गए हैं। जबरदस्ती करके नहा के आ गई हूँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है आज। मम्मी का और मम्मी पापा जा रहे हैं कल बड़ोद, और बड़ोद जा रहे हैं, मम्मी पापा का नहीं लग रहा है यहाँ मन, और इन्होंने पूरी ही तैयारी कर ली है अपनी जाने की। तो ये बड़ोद मिलेंगे आपको अब, कलर का अमरूद काट ले और इसे खा ले। बता रहे और मैंने दोबारा इसलिए नाना पड़ा कि मैंने अपना वॉशरूम वगैरह ये साफ किया है। हेलो करो, अमरूद अच्छा लग रहा है। नहीं, सब इतने काम में बिजी है, आराम से बैठी, और हम मैं और वैशाली इतने काम में बिजी हैं, और ये नीतू तो खैर आराम से बैठी रहती है जब से इसके हाथ में चोट लगी, इसको तो कुछ कहना है नहीं। और वैशाली, वैशाली अब जाएगी नहाने और मैं करती हूं बर्तन साफ, मां बेटी का प्यार, और इनका छुट्टी बोल रही है ये कटेगा, ये कटेगा छुट्टी बोल रही है कि माँ बेटी का प्यार, ये एक ही प्लेट में खा रही है अमरूद। भिगे होंगे पहले भी, अब काम खत्म हो गया है। और वैशाली नहाने के लिए ऊपर आई है, बोल रही है कि चाची बहुत टाइम हो गया, मैं कल नहा लूंगी। और नीचे ने अपने हाथ की सिकाई की है बर्फ की, आज आज क्या ये करती है रोज 2-3 बार तो करनी पड़ती है ऐसे बर्फ की सिकाई। और वैशाली ने अपने बाल खोल खोल दिए, देखो पीछे कच्चे सूख गए और पीछे टावल और ये सब सूखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अपने भाई हमने पौधे लगाए थे ना, तो देखो कितने प्यारे प्यारे फूल रखे हैं। मेरी कटिंग अच्छी लगी तो कमेंट करना, अभी आपको पेड़ पौधे दिखाता हूँ, अभी और दिखाता हूँ।
तो ये फ्रेंड्स, और मैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तब तक के लिए। और बता देना कि भाई सुखी कटिंग कैसी लग रही है। ये बोल रहा है कि मेरे बाल अभी खड़े नहीं हुए हैं, तो मम्मा मेरे लिए जेल ला दो। तो अपने पापा से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये हो गया खड़े, हो गया, हो गया, हो गया। तो गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तब तक के लिए बाय।